जरा दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मेरे मैके में इतना कुछ हो गया है और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? हाँ तो क्या करूं मैं, तुम्हारी तरह ऐसे मुंह बसोर के बाल बिखेर के बैठा रहूं? हाँ उसे क्या इम्तियाज भाई छूट जाएंगे? वैसे एक तरीका है जिससे इम्तियाज भाई भी छूट सकते हैं और शायद इस सारे नुकसान की तलाफी भी हो सकती है, अगर कश्यप शाहजी की बात मान जाए। तुम बात करो ना कश्यप से, हाँ तुम्हारी तो सुनती है वो। अगर कश्यप और शाहजी की पार्टनरशिप हो गई तो सोचो सारी जिंदगी के लिए सबके वारे न्यारे हो जाएंगे, सबकी रोटियां लग जाएंगी। कश्यप से तुम पैसे मांग लेना और शाहजी की तो वैसे ही इनायत है हम पर और हमेशा रहेगी, मजा आ जाएगा जिंदगी का ईमान से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने मैंने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मोहब्बत की थी। की थी मतलब? शादी से पहले तो हमेशा कहते थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये थी तुम्हारी मोहब्बत? आशी, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुम जैसा शख्स जो एक झूठे पीर के इशारों पे नाचता हो ना, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता ना। आशी ना, मेरे मुर्शिद के बारे में कुछ मत कहना प्लीज। तुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझ में और शाहजी में किसी एक को चुनना हो, तुम किसे चुनोगे? शाहजी से पूछ के बताऊं? जब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की? शाहजी का हुक्म था ना। मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं दे सकता ना मैं तलाक, नहीं दे सकता। जब तक शाहजी नहीं कहेंगे मैं तलाक भी नहीं दे सकता, समझने की कोशिश करो यार। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने घर वालों के साथ उनके दुख में कम से कम शरीक हो जाऊं। जी मैं कुरैशी साहब के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जी जी विजदान, हाँ जी उन्होंने जिक्र किया होगा आपसे। जी मेरे चचा का केस है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। जी खुदा हाफिज़। बस अब सारी जिंदगी अपने ससुराल के मसले हल करना, और तो कोई काम है नहीं तुम्हारे पास। उन्हें हमारी जरूरत है, मुश्किल में है वो इस वक्त। और सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, मेरे चचा का घर भी है। जो इम्तियाज के करतूत है ना, उसका अपना सगा बेटा भी होता तो उसे भी वो कभी ना छुड़ाता, सड़ने देता चार दिन जेल में। और वैसे अच्छा है ये भी हवालात में रह के आए कुछ दिन, शायद अकल ठिकाने आ जाए। दौलत के लिए रिश्तों तक को बेच दिया इस आदमी ने, अब करवाए ना अपनी जमानत इस दौलत से। क्यों कर रहा है मेहनत समाज है सबकी। नहीं बस भी कर दें आप, इम्तियाज चचा में जो भी खामी है उसका हिसाब वो खुद देंगे। फिलहाल हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। इम्तियाज जैसे लोग सांप की तरह होते हैं, जितना चाहे कर लो डसने से बाज नहीं आते। माफ कीजिएगा ताई, कोई कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, वक्त और हालात सबके बदलते हैं। कभी भी किसी का कुछ भी एक सा नहीं रहता। नहीं बेटा मैं बैठने के लिए नहीं आई, मुझे कष्ट से कुछ बात करनी है। जी अम्मी कहें। कष्ट बेटा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ था वो उन्हें घर में रह गया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत। आप फिक्र नहीं करें, मैं घर पे राशन भिजवा दूंगी। कश, तुम्हारी अम्मी को गर्मी लग रही होगी, इन्हें अंदर एसी वाले कमरे में ले जाओ। माफ करना दिलशाद,
हमारे घर में तुम्हारे घर जैसी आसाइशें तो नहीं है, लेकिन बस गुजारा है। बस भी करें। अमीरी का घमंड मुझे भी कभी था, लेकिन तुम लोगों ने तो भाई सारी हदें पार कर दी। अब क्या हुआ तुम्हें? फिर वहीं खड़ी हो जहां से चली थी, याद है ना? अपनी बेटी को 2000 उधार मांगने के लिए भेजा था तुमने। अम्मी आप जाए, शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं देखता हूं। बंदी हाथे